ज्यादातर वही हैं। म्यूचुअल फंड के अक्टूबर में नेट इनफ्लोज 38,000 करोड़ रुपए के, सही कह रहा हूं, सितंबर में 47 थे, रिड्यूस होके 38 हो गए, ठीक है। अच्छा शुरुआत कर, अच्छा आज मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टसल जोन्स के आसपास कलम क्लोज हुए, तो आज आपको थोड़ा सा सेशन पैची रहेगा, वोलेटाइल होगा, इवेंचुअली किस तरफ जाता है एनीबॉडी इज गेस, लेकिन मैंने सोचा सुबह सुबह आप टीम कैसे बनाई जाए जब मार्केट गेस वर्क पे छोड़ा हुआ है, तो कोशिश करिए कि लाल वाले और हरे वाले दोनों तरह के स्टॉक्स होंगे, आप स्क्रीन पर ऐड करिएगा, मूड माहौल के लिहाज से उन ट्रेड्स लीजिएगा अगर आप चाहें तो। पहला स्टॉक जो है वो एलेम्बिक फार्मा का है, एलेम्बिक फार्मा को रेड कैटेगराइज कर रहा हूं, ये लाल निशान में आज दबाव के साथ ट्रेड होगा शायद, वजह बड़ी क्लियर कट है, यूएस के जो फेडरल रेगुलेटर हैं, यूएस एफडीए ड्रग्स के रेगुलेटर जो हैं, उन्होंने इस कंपनी की जो इंजेक्टेबल फैसिलिटी है खराड़ी में उसके लिए 10 ऑब्जर्वेशन जारी करे, 10 ऑब्जर्वेशन मतलब वो इंस्पेक्ट करने आए थे, इंस्पेक्ट करे तो 10 तरह की आपत्तियां अलग अलग उनको नजर आई, तो 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में इंस्पेक्शन हुआ था, आपत्तियां सामने आई एक प्लांट को लेकर, शायद ये स्टॉक आज लाल निशान में नजर आए। स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर कल ही आपको 8-8.5% टूटता हुआ नजर आया था अपने रिजल्ट्स पे, उसके बाद मुझे लग रहा है आज फिर शायद रेड में ट्रेड होता हुआ नजर आए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये 1000 वाला साल का हाई वाला स्टॉक है जो आधा हो चुका है ऑलरेडी, तो कितना और दबाव आएगा, कितना और प्रेशर आएगा, कब थोड़ी सी कवरिंग आएगी, ये सब थोड़ा सा आपको स्क्रीन को गौज करना पड़ेगा, पर रिजल्ट्स कमजोर थे उस पर रिएक्शन, रिजल्ट्स के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई वो दूसरी दिक्कत की बात, वो कह रहे हैं यूएस अभी काफी समय है फुल रिकवरी आने में, ड्रामेटिक ड्रॉप देख रहे हैं वो लोग डिमांड में, हालांकि यूएस की प्राइसेस स्टेबलाइज हुई है लेकिन डिमांड बड़ा कंसर्न है, उनका कहना है हमें शायद कई सारे और क्वार्टर्स लग सकते हैं यूएस में रेवेन्यूज के बाउंस बैक को लेकर, ये भी नहीं कह सकते कि FY21 में जो EBITDA करा था उन लेवल्स तक हम लोग कब तक उन लेवल्स पे वापस पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, तो कमेंट्री काफी वीक है, इसीलिए कल के प्रेशर के बाद शायद और दबाव हो, शायद और दबाव लाल निशान में कामकाज हो। KIMS तीसरा स्टॉक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो रीसेंट लिस्टिंग थी, इसको भी लाल में रखिएगा, याद सुबह बता रहे थे मेट्रोपोलिस की कमेंट्री क्या हुआ, कोविड के बाद नॉन कोविड रेवेन्यूज पिकअप नहीं हो रहे, कृष्णा इंस्टीट्यूट में हुआ क्या, फ्लैट परफॉर्मेंस है और मार्जिन पे दबाव आ गया है, तो रेवेन्यूज फ्लैट है, 34.5% के मार्जिन घटकर 31.3% पे, तो अच्छे खासे 300-400 basis points प्रॉफिट मार्जिन में दबाव, इसीलिए मुनाफा भी साल दर साल दबाव में दिखाएगा, ऑक्यूपेंसीज गिर रही है, इंटरनल्स कमजोर है, इसलिए KIMS को मैंने रेड में रखा है। बिल्कुल आपने सही नाम लिया, मेट्रोपोलिस रेड में है, रेड में प्रॉफिट इनका आया है 58 करोड़, अनुमान था 61 करोड़ का, रेवेन्यू आया है 302 करोड़, अनुमान था 305 करोड़ का, लगभग वैसा ही EBITDA का अनुमान था कि 90 करोड़ आना चाहिए, वो 97 आया है, लेकिन मार्जिन जो है 32 से घट के 29.8 आ गए हैं, और फार्मा कंपनियों के लिए भी आप कह रहे थे ना, अब देखो कोविड हो गया खत्म धीरे धीरे, तो USFDA जाग गया है, गोवा भी तो आना, पिछले 2-3 महीने से चल कार्यक्रम शुरू हो गया उनका, कोविड के दौरान 1.5-2 साल एकदम कार्यक्रम बंद था, तो अगर आप फार्मा पैक पूरा देखिए ना, तो ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्शन फार्मा स्पेस में आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अब USFDA जाग चुका है। मॉइल में नतीजे मेरे को लगता है कि रेड होने चाहिए, हालांकि 205 रुपये पे बाईबैक का फैसला किया गया, लेकिन हमें लगता है कि मार्जिन जिस तरह से 2-2.5% गिर गए हैं और आगे का आउटलुक बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि रेड में ट्रेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड है प्राइस में, जो रेवेन्यूज वगैरह इनके बढ़े हैं। और तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स, ये ग्रीन में है, ये इसको ग्रीन में इसलिए क्योंकि नतीजे उन्होंने अच्छे लिए हैं, 220 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया 210 के अनुमान से, आजकल मैं अनुमान से कंपेयर करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में तो कोई देखता ही नहीं है, रेवेन्यू 2200 करोड़ का है, वो भी अनुमान से बढ़ के आया 100 करोड़, और मार्जिन में भी 0.7% का इम्प्रूवमेंट है, और कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, कच्चा तेल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो ग्रीन ग्रीन। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लाल में रखा है मैंने, भाई 3600 का स्टॉक है, वैसे 3200 पे आ चुका है, लेकिन PBT 54 करोड़ रुपीज का, पिछले क्वार्टर 93 का था, पिछले साल 106 का था, तो बहुत तगड़ा नॉक ऑफ हुआ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। EPS देखिए, इसका रन रेट हुआ करता था पिछले साल 23 रुपए का EPS क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 22 रुपए का EPS, इस बार गिर के 11.80 रुपए पहुंच गया, मुझे लगता है ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लाल निशान में होगी, वैसे केमिकल ध्यान रखें, साइक्लिकल स्टोरीज होती हैं, तो कभी कई बार
मोमेंटम फिजल आउट होता है कई सारे स्टॉक्स में। धामपुर शुगर मिल्स, इसको भी रेड में रख रहा हूं क्योंकि सब अच्छी खबरें इथेनॉल वगैरह की अपनी जगह। इस समय परफॉर्मेंस ईपीएस क्लॉक किया है 3.90 रुपए का, पिछले क्वार्टर 6.5 रुपए का था, पिछले साल भी 4.25 रुपए का था। दोनों पैमानों पर ईपीएस एकदम स्क्वीज होता हुआ, तो अब वैल्यूएशन मैक्रो एनवायरमेंट अपनी जगह, कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपनी जगह, लाल निशान में शायद ये स्टॉक। और क्विकली छठा भी बताता हूँ, अभी तक सारे बिकवाली बिकवाली, अब हरे वाले नारायणा हृदयालय, कहां केएमएस बेच रहा था और नारायणा हृदयालय के नंबर स्ट्रांग है, आए 57% का जंप, 26 करोड़ का इबीटा बढ़कर 170 करोड़, 4.5% के मार्जिन्स बढ़कर 18%, मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद थी 17% के आसपास थी, उससे भी बेहतर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। होपफुली आज इन ग्रीन, आज ना भी कर रहा हो तो इसको रडार पर रखिएगा, गिरावट में इस तरह के नंबर्स के बाद लगता है लेना चाहिए स्टॉक। एवरेडी प्रॉफिट इनका 45% गिर गया है, 31 करोड़ आया है, रेवेन्यूज में 4% की गिरावट आई है और एबिटा में 25% की गिरावट है और मार्जिन 20 से घट के 16% पर आ गया। रंग आप समझ गए होंगे। एफएल इंडिया, ये दिलचस्प स्टोरी है, ग्रीन में है। एफएल इंडिया ने क्या किया है कि इनका रेवेन्यू जो है 75% बढ़ गया तिमाही दर तिमाही, 290 करोड़, और मुनाफा 33% बढ़ के 48 करोड़ आया। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि मार्जिन 10% इन्होंने अपना कमज़ोर किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अप्रेजल किया है, 150% वो खर्चा बढ़ गया है, तनख्वाहें बढ़ाई खूब, 150% खर्चा बढ़ गया, अप्रेजल में बहुत खर्चा किया है। तो देखिए ये जो कंपनीज होती है ना आईटी वाली, आप हमसे ज्यादा भी समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ही तो ऐसा टाइम की गलत इंडस्ट्री में फंस गए।